इन दिनों प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है, तो वहीं के देवास जिले के हाटपिपरिया विधानसभा में भी उपचुनाव होना है। ऐसे में अब किसान अपने हक के लिए उपचुनाव का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व में भाजपा सरकार के कार्यकाल में भावांतर योजना में सरकार ने किसानों से प्याज खरीदी थी, जिसकी भावांतर राशि आज तक किसानों को नहीं मिली है, जिसके कारण अब किसान अपनी राशि की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार के दिन हाटपिपरिया विधानसभा के गांव नानूखेड़ा में किसानों ने बैनर लगाकर नारा दिया है कि भावांतर राशि नहीं तो वोट। किसानों का कहना है कि सरकार यदि हमें उपचुनाव से पहले भावांतर राशि का भुगतान नहीं करती है तो हम आगामी उपचुनाव में चुनाव का बहिष्कार कर मतदान नहीं करेंगे। बागले से संवाददाता की रिपोर्ट। प्याज की भावांतर राशि देवास जिले के हाटपा क्षेत्र में 2 वर्ष हो चुके हैं, परंतु राशि आज दिनांक तक नहीं मिल पा रही है, जिसमें किसानों को तुफान रूप से आक्रोश है। लोग सड़क पर उतर चुके हैं। चुनाव पहले प्याज भावांतर राशि नहीं दी तो वोट नहीं, एवं चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। दूसरे जिलों में भेदभाव के आधार पर राशि दी गई, परंतु हर क्षेत्र में राजनीतिक दबाव में नहीं दी गई एवं कर्ज माफी की मांग की गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।